हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। कुकिंग विद उषा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पनीर पालक ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ, जो कि बच्चे खाते नहीं है पालक, तो अगर हम इस रूप में खिलाएं तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। मैंने जो है ये 100 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। ये मैंने 8-10 पत्ते लिए हैं पालक के, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 2 आलू लिए हैं इसमें, जो कि मैश कर लेंगे और इसको बांधने में भी, और बच्चे भी बड़े शौक से खा लेंगे पालक और पनीर को। और ये प्याज ली है मैंने मीडियम साइज की, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 2 हरी मिर्च है छोटी छोटी, जो ये काट ली हैं। इसके लिए मैंने 5 स्लाइसेस ली हैं ब्रेड की, ये 5 स्लाइसेस ली हैं। नमक है टेस्ट के अनुसार। 1 कप मैंने बेसन लिया है, जिसका कि हम घोल बनाएंगे, जिसमें हम डिप करेंगे ब्रेड को। ये मैंने मिर्च ली है 1/2 चम्मच, थोड़ा जीरा लिया है, थोड़ा धनिया सूखा पाउडर, धनिया लिया है सूखा पाउडर जो होता है पिसा हुआ, और ये गरम मसाला है और चाट मसाला है। ये हमारा सब सामग्री है। रिफाइंड डाल दिया है, इसमें हम जीरा डाल देंगे, ये हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, प्याज भी डाल देंगे, इनको हल्का हल्का भून लेंगे, जिससे जो इनका कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा। हल्का नमक डाल देंगे हिसाब से, जितना हमें अपनी पिट्ठी में चाहिए, क्योंकि अगर प्याज में हम नमक पहले डाल लेते हैं तो प्याज हमारी बहुत अच्छी सी भुनती है। बस हल्का हल्का करना है, जिससे कि इसमें इसकी जो स्मेल है वो निकल जाएगी और इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब मुझे इसके जो मसाले हैं वो डाल देने हैं। धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, मिर्च डाल दी है, ये मिर्च मेरी देगी मिर्च है, लाल नहीं है इसलिए, तो धनिया पाउडर और मिर्च डाल दी है हमने। अब इसमें जो हमने आलू लिए थे 2, वो इनको हम इन्हें फोड़ देंगे इसमें बारीक बारीक। अब इनको हम हल्का सा घुमा देंगे, क्योंकि आलू को उबालने के बाद अगर हल्का सा फ्राई सा कर लिया जाता है, शैलो फ्राई, तो बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। अब इसमें हम जो हमने पालक लिए थे 4-5 पत्ते, वो डाल दिए हैं। इसमें हम पालक डाल देंगे, ये जो पनीर था पनीर को डाल देंगे पालक में, जो कि मैंने क्रश कर लिया था 100 ग्राम पनीर को। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसमें जो हमने मसाला लिया था चाट मसाला और गरम मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम ब्रेड पकौड़े की तैयारी करते हैं। इसको थोड़ा रख देते हैं। अब हम अपने बेसन में, जो हमने 1 कप बेसन लिया था, इसका हम पहले कम पानी डाल के घोल बनाएंगे, जिससे इसमें जो है लम्स नहीं पड़ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं। अगर हम कम पानी में करेंगे तो गांठें पड़ने का, इस तरह से हमें घोल बना लेना है। जैसे हम पकौड़ी का घोल बनाते हैं उसी तरह से बना लेना है इसका हमें। अब इसमें हम हल्का सा नमक डाल लेंगे, क्योंकि जैसे हम ब्रेड पकौड़े बनाएंगे तो वो फीके ना लगे। अंदर फिलिंग में तो हमने मसाला डाल भी दिया है, इसमें हमें नमक डालना है। अब चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं कलर के लिए। करीब 250 ml
हमने इस पर रिफाइंड डाल दिया है। अब हम स्लाइसेस को साइड से जो ब्राउनिश है इसे काट देते हैं उनका, क्योंकि इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं जो हमारा कई चीजों में यूज होता है। अब हम इसको बीच में ट्राइंगल शेप में काट लेंगे, चाहे इसे राउंड शेप में आप काट सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने फिलिंग भरी है उसको इसके अंदर भर देंगे। ये हमारा स्टक पकौड़ा हो जाएगा, ब्रेड का स्टक पकौड़ा बोलेंगे इसको हम, और इसको इस तरह से पुश कर देंगे जिससे ये आपस में चिपक जाए। ऐसे इसको अंदर करके हमें बिल्कुल इस तरह से बना देना है। तो ये हमारा स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा हो जाएगा। आप पालक पनीर पकौड़ा भी बोल सकते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है। देखिए अब इसको हम इसमें डिप कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके, और हम इसमें डाल देते हैं। गैस को हमने सिम कर दिया है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चे इसी सहारे पालक भी खा लेते हैं। इस तरह से भर के हम इसमें ऐसे करके, अगर जो निकल जाता है तो उसे हम निकाल देते हैं। आप इस तरह से करके इसको रोल करके थोड़ा दबा दीजिए जिससे कि ब्रेड आपस में चिपक जाएंगी, खुलेंगी नहीं। अब ये हमने इसी तरह से हमने सारे अपने ब्रेड पकोड़े सेक लेने हैं। हमारे सारे ब्रेड पकोड़े सिक गए हैं। लीजिए हमारे पालक पनीर ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए हैं। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। और मेरे जो मैंने रेसिपी बनाई है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विदुषा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय।